गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक। अ फील्ड इज इन अ फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल राइट ट्राइंगल विथ साइड 90 सेंटीमीटर एंड 120 मीटर रेस्पेक्टिवली कंटेनिंग द राइट एंगल। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो साइड्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 तो है 90 मीटर एंड 120 मीटर। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का बना दिया मैंने सिंबल, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हुआ 1/2 90 इंटू 120, 2 से इसको कट किया, 260 2612 और 0, 60 को 90 से मल्टीप्लाई करो 00 और 96 54 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग लेवलिंग इज इक्वल टू 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5400, इतनी है इस पे करवानी है इंटू 12, तो ये हो गया 00, 12 4 48 कैरी 4, 12 5 60, 60 में 4 प्लस किया 64, यानी 64,800 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ वॉल शोन इन द पिक फिगर। इसमें वॉल का एरिया फाइंड आउट कर रहा है, इस तरह से वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, और ये साइड है आपकी 100 मीटर 60 मीटर और यहां से यहां तक की ये है, ये इसकी हाइट हो गई। तो अपन इसका कैसे निकाले, तो आपको पता है ये तो है अपना रेक्टेंगल बन गया और ये है ट्राइंगल, ठीक है। आप देखो ये ट्राइंगल जो है इसका बेस वही है जो रेक्टेंगल की वन साइड है, यानी ये 100 है तो ये भी 100 मीटर हो गया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी, यानी 100 इंटू 60, तो कितना हो गया 6 × 6 और 000, ठीक है। नेक्स्ट मीटर स्क्वायर। अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया 1/2 इंटू बेस है 100, क्योंकि ये बेस 100 हो गया, हाइट हो गई ये 15 इंटू 15, 2 से काटा 202, 100 को काटा 50 टाइम्स गया, 50 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो 0 और 5 को 15 से करो 75 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बोल रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ट्राइंगल इज इक्वल टू 9√3, ये रूट कहलाता है, √3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है इसकी ईच साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है जिसकी तीनों साइड, थ्री साइड्स आर इक्वल, ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ईच साइड कितने की है 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड निकाल दो। तो आपको पता है हम क्या करें, एल्टीट्यूड का मतलब है ये हाइट निकालनी है,
तो हम लोग ये इक्विलेटर ट्राइंगल का दे रखा फॉर्मूला, तो अपने को फॉर्मूला ट्राइंगल का निकालना होगा राइट एंगल से। यानी एक फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये किसके इक्वल है 9√3 के। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। अब बेस तो आपको पता यही रहेगा, यानी बेस कितना है 6, वन साइड जो है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो अपन को केवल बेस लेना है 6 इंटू एच, पता नहीं एल्टीट्यूड निकालना अपने को 9√3। तो ये एच इज इक्वल टू 9√3, ये निकाल दे 2 × 2 = 6, तो 9√3 और 3 × 3 तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 3, 3H = 9√3। एच ये लिखा 9√3 अपॉन में आ जाएगा 3, 3 से 9 कट रहा, 3 × 3, 3 × 3 = 9, यानी 3√3। ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3√3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज साइड्स आर 17 cm, 10 cm एंड 9 cm। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, साइड ऑफ ट्राइंगल, ए साइड है 17, बी साइड है 10 cm एंड सी साइड है 9 cm। अब आपको पता है जब इस तरह से दी हो कि आपको थ्री साइड पूरी अलग अलग दी हुई है, एल्टीट्यूड नहीं दे रखा, हाइट नहीं दे रखी है, तो हम इसको 1/2 बेस अपॉन इनटू हाइट से नहीं निकालेंगे। पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, तो पहले एस निकालेंगे, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी सारी साइड प्लस कर दो, एस का होता है, यानी एस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी तीनों साइड का सम अपॉन टू। थ्री साइड कौन कौन सी है, 17 + 10 + 9 / 2, जरा प्लस कर दे तो कितना आ गया 9, 10 और 6 = 16, 16 में कैरी 1, 2, 3, 13, 6/2, ये 2 रह गया। अब 2 से 36 को डिवाइड कर दो तो 2 × 2 और 2 = 16, ये हमारा आ गया एस। अब इस एस से निकलेगा, इसको देख लीजिए, रूट में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इज इक्वल टू रूट, रूट में एस, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसी में जमा दो डिजिट को, एस कितना अपना 18, ठीक है, अब ब्रैकेट में एस माइनस ए, यानी 18 माइनस ए साइड कितनी है 17, ठीक है, फिर वापस से एस यानी 18 माइनस बी साइड कितनी है 10, और एस, एस यानी वही 18 माइनस सी साइड कितनी है 9, हो गया। अब देखो पहले तो ब्रैकेट वाले सॉल्व कर दो, 18 इंटू इनके बीच में साइड नहीं है, और 18 में से 17 माइनस हुआ तो 1, ठीक है, इंटू 18 में से 10 माइनस हुआ 8, इंटू 18 में से 9 माइनस किया तो 9। अब इनके फैक्टर कर दो, तो ये फैक्टर का मतलब है इस तरह से कि 18 का फैक्टर कितना होता है 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 3, यानी 2 × 3 × 3। अब 1 तो एलिटीज रहेगा, 8 का करें फैक्टर तो 8 का 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स। 9 का करें फैक्टर तो 3 × 3 = 9, 3 × 3, यानी × 3 × 3। अब आप इसको क्या करो, सीरियल से जमा लो, ठीक है, पहले 2 देखो कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, तो 1, 2, 3, 4, 1 भी लिखते 1 अंदर होता तो। अब 3 देखो, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम 3 है, 1, 2, 3, 4। अब देखो पेयर बना लो और पेयर को रूट से बाहर निकाल लो, जैसे ये पेयर 2 का बन गया तो 8 2 बाहर निकल गया, इस पेयर में से 8 2 बाहर निकल गया,
इस पेयर में से 1/3 बाहर निकल गया और इस पेयर में से भी 1/3 बाहर निकल गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा यानी 4 4 into 3 into 3, इसको मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12 into 3 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका एरिया हुआ ट्राइंगल का। तो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4 to 7 और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।